इस फंक्शन का आगाज करिए, इस फंक्शन की शुरुआत करिए। हो गया जी, करिए सर जिहड़ा एक मनमोहन सिंह ने एक वड्डा बयान किया दिता है जी कि जिहड़े आण वाले जिहड़े मुख्यमंत्री हैगे नवजोत सिद्धू हो सकते हैं जी, तुसीं उहदे बारे की सोचदे? कोई भी कांग्रेसी हो सकता है, सिद्धू नालों पहला भी लोग बैठे ने, सिद्धू भी ठीक है, बाकी भी ठीक ने। जिहनूं सोनिया गांधी बनाएगी, जिन्होंने हाईकमान बनाऊंगी वो मुख्यमंत्री बनता। मनमोहन सिंह का कहना है जी कि जिस तरह की वो कह रहे कि अगले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी यही होंगे अपना। पहला मैं जवाब देता, जिन्होंने हाईकमान कहेगी, जिन्हों कांग्रेस प्रेजिडेंट कहेगा, जिन्हों हाईकमान कहेगी, मैं कांग्रेस की गल करो, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं। देखो फैसला मनमोहन सिंह भी कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया सी, हुण भी कोई भी फैसला कर दिया, कोई भी प्रदेश का प्रधान बनाना, डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बनाना, स्टेट का मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस पार्टी ही बनाती है। मेरी सुनो गल, कोई विधायक नाराज नहीं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी है, और जिथे भांडे होणगे उत्थे ही खड़ गए, जिहदा बादलों का घर खाली उत्थे की खड़केगा जी। नवजोत सिमर बैंस कहते हैं कि जिहड़े कल फैसला आया उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी, सुप्रीम कोर्ट छड़ के जिथे मर्जी जाण, कोर्ट का उन्होंने सत्कार करना चाहिए, कोर्ट ने फैसला दिता है, और किन्ने साल बाद 13 साल लड़ाई लड़ी है, सच दुद्ध का दुद्ध पानी का पानी होया, सच की जित हो। फैसले के विच जिहड़े आम लोगों का जो पैसा लग्या सीगा वो हुण सारा खत्म हो चुका है? ये नहीं मैनूं पता, जो कोर्ट का फैसला सी, जो 13 साल की लड़ाई सी, जो झूठे केस बनाए गए सी बादल उन्हां ने, और वो जवाब कोर्ट ने दिता कैप्टन साहब नूं, एक मिनट सच जी, और बेगुनाह करके उन्होंने साबित कर दिता कि बादलों ने जो केस किया सी जान के कीता जी। विजिलेंस उही विजिलेंस है जिन्होंने केस दर्ज किया, उही विजिलेंस है जिहड़े केस हुण अज मेरी गल सुन, विजिलेंस उही हुंदी है ना, कम सारिआं नूं लैणा हुंदा सरकारी तौर ते, क्योंकि उन्होंने नौकरी तो थोड़ी कढ़िया जा सकता, कोई सरकार बदल गई किसी नूं नौकरी तो नहीं कढ़िया जा सकता, पर उन्हां तो सही कम लैणा हुंदा। कई वारी जिहड़े गलत वरतों करदे ने ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਗਤ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਆਟਾ ਖਰੀਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਕਿਵੇਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੱਕੀ ਪਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਕ ਕਰ ਲਈਏ,
सरकार साढ़े हथ च स्टॉक करके उदो फिर मन मर्जी थोड़ा थोड़ा वेचते हैं वो तो लोगों से गरीबों से मार पैदा खजाना बड़ा घट जी खजाना बड़ा घट हाँ ये भी सीधा दोष मोदी सरकार से है। 4,100 करोड़ रुपया साडा जोड़ा है GST का दबी बैठे है और पहला तो मदद तो उन्होंने कोलों की करनी है जोड़ा साडा पैसा भी नहीं दे रहे उन्होंने सोच लेना चाहिए कि मोदी साहब की सरकार वो पूरे हिंदुस्तान की सरकार है ना कि कल्ले BJP वाले शासित स्टेटा की है। सर महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना वेरी गुड है जी भगवंत मान ने जी अज जे है बिजली के जो कनैक्शन कट्टे से दोबारा जो जोड़े गए हैं जो बारे की कहना चाहोगे जी की भगवंत मान वालों जो रातों रात जो कनैक्शन कट्टे गए थे जो पहला सरकार वालों तो उस तो बाद अज बहाल कर दिए गए हैं उन्होंने किने बहाल कर दिए भगवंत मान ने खुद जाके कनैक्शन जोड़े लोगों के घर च मेरी गल सुनो ये धक्के कनैक्शन जोड़ने ये परंपरावान पाया तुम अज सरकार के खिलाफ एक जी चीज़ है फैक्ट्री वाला कल फैक्ट्री वाला जोड़ेगा की करोगे गैर कानूनी आ जो कानून दे दायरे तो बाहर जाएगा उन्हें भुगतना पड़ेगा। थैंक यू।